हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेराक स्किन केयर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी DIY शेयर करने वाली हूँ। DIY डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन रिमूवल फेस वॉश। इट्स वेरी इफेक्टिव DIY। ये आपके चेहरे के डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन को लाइटन करेगा और साथ ही साथ चेहरे पे ग्लो लाएगा, निखार लाएगा और आपका चेहरे पे शाइन नज़र आएगी आपको। गाइस, मैंने पहले भी आपके साथ बहुत सारे फेस पैक और फेशियल शेयर किए हैं जो आपके डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को लाइटन करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप प्लीज़ उसको चेक कर लेना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस ईजी से फेस वॉश को कैसे बनाना है। उसके लिए आपको एक बाउल में लेना है 1 टेबल स्पून सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन पाउडर। चंदन पाउडर जो है वो आपकी स्किन के, चेहरे के दाग धब्बों को बहुत ही ईजली रिमूव करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो है लेमन यानी कि नींबू। हाफ नींबू का रस आपको इसमें ऐड करना है। जिनकी स्किन को लेमन सूट नहीं करता वो पोटैटो जूस ले सकते हैं। आलू का रस, आलू को ग्रेट करके उसका जूस निकाल लीजिए तो आप लेमन की जगह आलू का जूस इसमें ऐड कर सकते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है ग्लाइसरीन। ग्लाइसरीन स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, स्किन को शाइनी बनाने के लिए, स्किन पे पॉलिशिंग का काम करती है ग्लाइसरीन। इसलिए हम इसमें थोड़ी सी 3 to 4 drops ग्लाइसरीन की इसमें ऐड कर रहे हैं। और गाइज, अगर आप मेरी ऐसी ही ईजी सी वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट करूँ तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून हनी यानी कि शहद इसमें ऐड करना है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो जितनी भी हमने इसमें चीज़ें ऐड की है वो सारी ही स्किन लाइटनिंग का काम करती हैं, चेहरे के दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को बहुत ईजली रिमूव करती हैं। इसको मिक्स करने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा गुलाब जल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा फेस वॉश बनके रेडी है। इसको आप चाहें तो एक कंटेनर में डाल के हफ्ते भर के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। मेक श्योर आपकी स्किन जो है, आपका चेहरा जो है वो क्लियर हो। उसके बाद इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करनी है 5 मिनट के लिए। अपने चेहरे पे अच्छे से इसको मसाज करनी है और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। आप इसको डेली एक टाइम इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। मॉर्निंग में जो भी फेस वॉश आप यूज़ कर रहे हैं उसको कीजिए, बट रात को सोने से पहले इस फेस वॉश से अपने चेहरे को क्लीन कीजिए। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज लगा के आप सो सकते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून दूध इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको आपको डेली यूज़ करना है, दिन में एक बार। हफ्ते बाद आपकी स्किन देखना बहुत ही ग्लोइंग होगी और आपके डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन है वो काफ़ी हद तक लाइटन हो जाएंगे। ये DIY बॉयज़ और गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं और हर स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फेस को वॉश करने के बाद ही आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको ब्राइटनिंग लगेगी, शाइनी लगेगी। आई होप गाइज आपको मेरी आज की सिंपल सी DIY अच्छी लगी होगी। सो वीडियो रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट ईजी सी DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।